मैडम हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिजेरियन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी ही हो, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। यह लाइन ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट महिला मेरे को कहती है, और इसी के कारण आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने की जो संभावना है वह अधिक हो, आपका सिजेरियन ना करना पड़े। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, यानी कि वजन तो बढ़ेगा, वो तो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, और वजन बढ़ना भी चाहिए, डेफिनेटली वेट गेन होना ही चाहिए, लेकिन वो एक नॉर्मल वेट गेन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना है। 9 महीने के दौरान आपका वजन लगभग 12 से 18 किलो बढ़ना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारा, बहुत बार प्रेगनेंसी में ये दौरान महिलाएं क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा घर वाले भी बहुत फोर्स करते हैं, खाइए अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, डबल खाइए, पर आपको डबल खाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ 300 साढ़े 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। पर आपको ऐसा नहीं कि आप पहले 2000 कैलोरी का खाना खा रही थी तो अब आप 4000 कैलोरी का खाना खाएंगी, ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा लिया अपना प्रेगनेंसी के दौरान, कुछ कुछ महिलाओं का 25-30 किलो भी वजन बहुत आसानी से बढ़ जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो नॉर्मल डिलीवरी होने की, वेजाइनल डिलीवरी होने की जो संभावना होगी वह कम हो जाएगी। तो आपका वजन तो बढ़ना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज में जो प्रेगनेंसी के हिसाब से नॉर्मल होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको वजन नहीं बढ़ाना है, पूरे 9 महीने के दौरान लगभग 12 से 18 किलो वजन आपका बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हरी सब्जियां और फल का अधिक प्रयोग करें, घी चिकनाई तला तलाई थोड़ा कम की साइड में रखें, लिक्विड इंटेक पानी बहुत ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पीना बहुत ही अच्छा रहता है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, पानी का इंटेक आपका काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए, आपको डेली वॉक करनी चाहिए, डेली वॉक करना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होती हैं, आजकल बहुत से लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपको वह अलाउड है या नहीं है, क्योंकि कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम ये सब एक्सरसाइजेस मना कर देते हैं, स्पेसिफिकली जब नाल नीचे की साइड में होती है, प्लेसेंटा नीचे की साइड में होता है, तब हम थोड़ा मना करते हैं। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म कर लीजिए कि आपका केस बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, तो आपको एंटीनेटल एक्सरसाइजेस जो हम कहते हैं कि चौथे महीने से शुरू कर देनी चाहिए, योगा क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकती हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़रूरी है, आप जितना रिलैक्स्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बड़े लोग कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें करो, क्योंकि डेफिनेटली आपके हार्मोन्स, जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे आपके हार्मोन्स उतने ही बैलेंस्ड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए रहेगा और डिलीवरी होने के लिए भी रहेगा। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्क्वाट्स कर सकते हैं आप, कीगल्स एक्सरसाइज कीजिए, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस, और जो लेकिन किसी सुपरविजन के अंडर में कीजिए। शुरू में आप किसी ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट या योगा टीचर की हेल्प ले सकती हैं, उनके गाइडेंस में थोड़े बहुत सेशंस लीजिए, उसके बाद आप खुद से कर सकती हैं। वॉक करना और डीप ब्रीदिंग के लिए तो किसी से उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है सुपरविजन की, वो तो आप डायरेक्टली शुरू ही कर सकते हैं। तो खाने पीने में हरी सब्जी फल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। ये तो हुई बात प्रेगनेंसी के दौरान की। प्रेगनेंसी के दौरान एक और चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत से ना गॉसिप्स में मत पड़िए कि उसने नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई किया लेकिन ऐसा नहीं ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, बहुत से लोग बहुत नेगेटिव विचारधारा रखते हैं, तो ऐसी सभी स्टोरीज आप ना सुने तो अच्छा है, क्योंकि उससे नेगेटिव थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो आपके हार्मोन्स में इंटरफेयर करते हैं और आपके डिलीवरी प्रोसेस को नुकसान पहुँचाते हैं। आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें ही करनी चाहिए, सक्सेसफुल स्टोरीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, आप उसके लिए पूरी तरह से गियर्ड अप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी का प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेटली उसके लिए आप वीडियोज़ वगैरह देख सकती हैं, उसके लिए मनाही नहीं है,
और आपके साथ अगर कोई घर का बड़ा जिसको डिलीवरी के बारे में आइडिया है वो साथ में रहेगा तो वह काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे आपकी मदद करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। कोई घर का बड़ा होता है जिसको इस चीज़ की थोड़ी आइडिया होता है, तो वह आपके अंदर नॉर्मल डिलीवरी होने की जो प्रक्रिया है उसको समझ सकता है और आपको भी उस चीज़ के बारे में समझा सकता है, और आपकी डिलीवरी होने में हेल्पफुल रहता है ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ है तो। अब डिलीवरी जब होने का समय आ गया तब आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? जब लेबर पेन आपको शुरू हो गए हैं, तो जब लेबर पेन शुरू होने का शुरुआती अवस्था होती है तब मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि बहुत जल्दी एडमिट ना होए हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे आप जल्दी से आके थोड़े से दर्द में ही हॉस्पिटल में एडमिट आके शुरू एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं और भर्ती हो जाते हैं, तो क्या होता है आपकी एंजाइटी बढ़ने लग जाती है और आपके साथ साथ डॉक्टर की भी एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। डॉक्टर भी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं कि दर्द शुरू हो, दर्द बढ़े, पर चीज़ें जितनी ज़्यादा नेचुरल चलती हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कि डिलीवरी होना एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का दिया हुआ एक नेचुरल सिस्टम है, उसको हम जितना ज़्यादा नेचुरल रखें उतना अच्छा है। यानी कि शुरुआती जो अवस्था है उसमें दर्द को अपने आप आने दीजिए, बहुत जल्दी एडमिट नहीं हुए, यानी कि लेटेंट फेज होता है, यानी कि जिसमें हल्के ठंडे दर्द होते हैं उसमें आप आके भर्ती नहीं हुई है। जब प्रॉपर अच्छे से दर्द चालू हो जाए तभी एडमिट होने का विचार कीजिए, और जब लेटेंट फेज चल रही है यानी कि हल्के हल्के दर्द आ रहे हैं उस टाइम पे अपनी मोबिलिटी रखिए, यानी कि घूमते फिरते रहिए, वह आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना डेफिनेटली बढ़ा देगा। जो पेशेंट्स हमारे यहाँ एक्टिव लेबर में आते हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना डेफिनेटली अधिक रहती है, तो उस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। डिलीवरी के दौरान भी डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और चीज़, बहुत बार लोग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का सहारा लेते हैं पेनलेस डिलीवरी के लिए, ताकि डिलीवरी के दौरान दर्द ना हो। तो जहाँ हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा है वहाँ एक नुकसान भी है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यानी कि कमर में जिसमें सुई लगाई जाती है ताकि आपको दर्द ना हो, तो उससे क्या होता है जो लेबर की सेकेंड फेज होती है, डिलीवरी का जो सेकेंड फेज ऑफ लेबर होता है वह प्रोलॉन्ग हो जाता है। आप जो खुद का पुश एफर्ट्स होते हैं यानी कि बेयर डाउन जो करती हैं, धक्का लगाती हैं बच्चे को नीचे, वो इतना अच्छे से नहीं लगा पाती हैं, और औजार निकाल के लगा के बच्चा निकालने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी कि हमें वैक्यूम लगाना पड़ेगा, फोर्सेप्स लगाना पड़ेगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी बच्चा अटक जाता है और हमें सिजेरन भी करना पड़ता है। तो जो दर्द रहित डिलीवरी वाला जो सिस्टम होता है, जो पेनलेस डिलीवरी के लिए जो एपिड्यूरल दिया जाता है, उसमें भी जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है अगर आप वो इंजेक्शन नहीं लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और पेनलेस की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होने की जो संभावना होगी वह थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप पेनलेस जो डिलीवरी के लिए ऑप्शन के लिए जाना चाहती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वह नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को थोड़ा सा कम कर देता है। इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।